वीडियोस में जानकारी देने के बजाय एक ही वीडियो में आपको सभी जानकारी देने वाला एग्जांपल मैंने चूज किया है, उसका चयन किया है। तो इस एग्जांपल में हम पहले प्रोडक्शन बजट बनाएंगे और उसके बाद प्रोडक्शन बजट का निर्माण करने के बाद प्रोडक्शन कॉस्ट बजट यानी कि समराइज फॉर्म भी जो दो अलग अलग प्रोडक्ट दिए हुए हैं उनका यहाँ पे निर्माण करेंगे। तो ये एक वीडियो में पूरा होने वाला एग्जांपल नहीं है, इसीलिए आधा टुकड़ा इसका मतलब आधा एग्जांपल सॉल्व हम इस वीडियो में करेंगे और आधा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसीलिए एक ही लिंक जो इस एग्जांपल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई होंगी वो आपने उसमें भी यूज करनी है। सेम एग्जाम्पल है, उसी का वो टुकड़ा रहेगा दूसरे वीडियो में, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट के लिए या प्रोडक्शन बजट निर्माण करने के लिए। तो अ कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग टू प्रोडक्ट्स एक्स एंड वाई। अ फोरकास्ट अबाउट द नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड इन द फर्स्ट 7 months ऑफ द ईयर इज गिवन बिलो। जो यहाँ पर अमाउंट दिए हुए हैं वो सेल अमाउंट है या सोल्ड यूनिट्स है। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है ये प्रोडक्शन बजट इन यूनिट फॉर प्रोडक्ट वाई। एक्स में मैं लिखना भूल गई, जब आप अपने कॉपी में लिखिए तो लिखिएगा, तो वहां लिखिएगा क्या लिखना है, प्रोडक्शन बजट इन ब्रैकेट इन यूनिट फॉर प्रोडक्ट एक्स, ठीक है। वाई में मैंने लिखा है तो वैसा ही आपको लिखना है। ये जो फिर यहाँ पे सेल्स का दिया हुआ ब्योरा है, डेटा है, ये कैसा है, यूनिट में हमें दिया हुआ है, ऐसा हम मान के चलते हैं और वो है। उसके बाद जानकारी दी हुई है, इट इज एंटिसिपेटेड दैट नंबर वन देयर विल बी नो वर्क इन प्रोग्रेस एट द एंड ऑफ एनी मंथ। मतलब नेक्स्ट इसमें वर्क इन प्रोग्रेस हमारे किसी भी मंथ में दिखाई नहीं पड़ रहा है। सेकेंड, फिनिश यूनिट्स इक्वल टू हाफ द सेल्स फॉर द नेक्स्ट मंथ विल बी इन स्टॉक एट द एंड ऑफ ईच मंथ इंक्लूडिंग दिसंबर ऑफ प्रीवियस ईयर। मतलब जो फिनिश यूनिट्स है वो इक्वल कैसे होने वाले हैं कि जो नेक्स्ट मंथ का हमारा सेल्स दिया हुआ है उसकी हाफ अमाउंट जो होगी, अगर मान के चलिए नेक्स्ट मंथ की सोल्ड यूनिट 1200 है तो क्लोजिंग स्टॉक कैसे मिलेगा हमें, उसको हाफ करके, तो 1200 का जो हमारा नेक्स्ट मंथ का सोल्ड यूनिट है उसके आधार पे हम क्लोजिंग यूनिट का यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे, उसे हाफ करके तो 600 हमें यहाँ पे यूनिट मिल जाएंगे, उसके बारे में जानकारी दी हुई है। और फिर प्रोडक्ट एक्स और वाई के बारे में जानकारी दी है कि प्रोडक्शन यूनिट 22,000 है, वाई के लिए 24,000 है। डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट अमाउंट में दिया हुआ है। ये इतना जो कॉलम बची हुई जितनी जानकारी है वो हम नेक्स्ट टुकड़ा जो इस एग्जाम्पल रखा रहेगा मैं वहाँ आपको अच्छे से ये समझा के बताऊंगी और इसी के आधार पे वो बचा हुआ भाग हमें पूरा करना है। इसीलिए इसको यहाँ अभी इसके बारे में चर्चा न करते हुए जितना एग्जाम्पल मैंने पढ़ा है उसके आधार पर हम एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए शुरुआत करते हैं। तो प्रोडक्शन बजट में जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं यहाँ पे जितने आपको प्रोडक्ट दिए हुए हैं उन हर प्रोडक्ट के लिए हर बार एक नया बजट का यहाँ पे हमें निर्माण करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कैसे हो रहा है कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए एस्टिमेटेड प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी लग रही है इसका कैलकुलेशन हमें करना होता है। इसीलिए यहाँ पे हम मिक्स मिक्स रिमिक्स नहीं कर सकते, इसीलिए मैंने एक्स प्रोडक्ट के लिए अलग यहाँ पे ये किया है, ड्रॉ किया है जो भी मेरा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो, और यहाँ पे वाई प्रोडक्ट के लिए किया हुआ है। तो इसीलिए हम शुरू करते हैं हमारे प्रोडक्शन बजट का पहला एग्जाम्पल। तो प्रोडक्शन बजट का जो पहला एग्जाम्पल हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ मैंने आपको इसके पहले प्रोफार्मा इसलिए बताया कैसे करना होता है, सेल्स की जो यहाँ पे सोल्ड यूनिट है वो लेने होंगे, उसमें ऐड करेंगे क्लोजिंग स्टॉक के या डिजायर्ड क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स, जो एस्टिमेटेड रिक्वायरमेंट हमें मिलेगी उसमें से लेस करेंगे ओपनिंग स्टॉक, फिर हमें मिलेगा नेट एस्टिमेटेड प्रोडक्शन। और अगर आपके पास इफ एनी कोई लॉस है तो वो भी हम वहाँ पे ऐड करेंगे और हमारा ग्रॉस प्रोडक्शन वहाँ पे एस्टिमेटेड प्रोडक्शन हासिल करेंगे। तो जो प्रोफार्मा में हमने किया है वो ही हमें इम्प्लीमेंट करना है हमारे प्रोफार्मा का जो ढांचा बना है उसमें। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सेल्स। अब सेल्स लिख लिया मैंने लेकिन यहाँ मेरे पास एक ही मंथ की जानकारी है क्या, नहीं, मेरे पास 6 अलग अलग महीनों की जानकारी दी हुई है, या मैं जिसे बोल सकती हूँ कि जनवरी से जून तक का, ऊपर ही मैंने लिखा है फॉर 6 months एंडिंग, जनवरी से जून तक की जानकारी हमें यहाँ पे करनी है। आपके पास एग्जाम्पल में जो आपको एग्जाम्पल दिया हुआ
मिलेगा। तो जो नेक्स्ट मंथ है जैसे जनवरी का क्लोजिंग स्टॉक अगर कैलकुलेट करना है तो सेम का जो सोल्ड यूनिट है उसका वो आधा करना पड़ेगा। मतलब ये भी कोई ज्यादा कठिन प्रक्रिया है क्या? नहीं। तो 1200 है तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा? 600। यहाँ 1600 है तो यहाँ पे 800। 2000 के लिए यहाँ पे आएगा 1000। वहां पे 2400 रुपीज सोल्ड यूनिट है तो यहाँ पे आएगा 1200। आप कर रहे हैं उसका फिर से जून का दिया हुआ है 2400 तो मई में कितना आएगा उसका आप करेंगे तो 1200। और जुलाई का सोल्ड यूनिट दिया हुआ है 2000 तो उसका आप अगर हम करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1000। मतलब 600, 800, 1000 और फिर 1200, 1200 और 1000 फिर से। अब यहाँ पे जो हमने कैलकुलेशन कर लिया है यहाँ ऐड लिखा है तो ऐड करना पड़ेगा तो इसलिए यहाँ पर 1600, यहाँ 2000, यहाँ पे 2600 अमाउंट आएगी मार्च महीने के लिए, यहाँ 3200 आएगा अप्रैल मंथ के लिए और यहाँ पे 3600 मई महीने के लिए और 3400 हमारे पास स्पेसिफिकेटेड रिक्वायरमेंट है जून महीने के लिए। मतलब ये जो हमने एडिशन की प्रक्रिया कर दी तो इस एडिशन की प्रक्रिया के बाद हमें जो मिला है उसे हम नाम देके यहाँ पे दर्शाएंगे एस्टिमेटेड रिक्वायरमेंट। अब एस्टिमेटेड रिक्वायरमेंट लिखने के बाद इसमें से हम लेस करते हैं ओपनिंग स्टॉक। अब आप में से हर छात्र को या आप में से बोलने की जरूरत नहीं, हर छात्र को ये सवाल पड़ेगा कि क्लोजिंग स्टॉक के लिए तो जानकारी बताई है बट ओपनिंग स्टॉक के लिए कुछ भी नहीं बताया। तो यहाँ हमें कंसीडर करना है कि ओपनिंग स्टॉक जो दिया हुआ है या जो होगा वो ओपनिंग स्टॉक हर महीने का जो हमारा सोल्ड यूनिट है उस सोल्ड यूनिट से हमें आधा पकड़ना है। मतलब जैसे क्लोजिंग स्टॉक को कैसे किया, नेक्स्ट मंथ के सोल्ड यूनिट से हाफ किया, वैसे ही ओपनिंग स्टॉक पर्टिकुलर मंथ के ही सोल्ड यूनिट से हाफ करके लिखना है। अब आप बोलोगे कि मैम हमें तो ये एग्जांपल में कहीं भी नहीं दिखाई पड़ा, तो आप अंतर्यामी हो क्या कि जो आपको ये मालूम चल गया कि ये लिखा नहीं है बट है? तो ऐसी बात नहीं है प्रिय छात्रों। जिस बुक से मैंने ये एग्जाम्पल लिया है उस बुक के ऑथर ने भले ही एग्जाम्पल में ये जानकारी ना दी हो लेकिन जब एग्जाम्पल सॉल्व करने के बाद नोट दी हुई होती है वहाँ पर ये जानकारी है जो मैं आपको रीड आउट करके बता देती हूँ कि क्लोजिंग स्टॉक फॉर द मंथ ऑफ जैन इज हाफ ऑफ द मंथ ऑफ फेब एंड सिमिलरली द मंथ ऑफ फेब एंड ऑनवर्ड, ये क्लोजिंग स्टॉक के लिए। और सेकेंड ओपनिंग स्टॉक ऑफ द मंथ ऑफ जैन इज हाफ ऑफ द सेम मंथ एंड ऑनवर्ड। मीन्स यहाँ पे क्या किया है, अगर जैन का जो सोल यूनिट है वो 1000 है तो उसका ओपनिंग स्टॉक बनेगा 500। अगर फेब का 1200 है तो उसका ओपनिंग स्टॉक बनेगा 600। अगर मार्च का 1600 है तो ओपनिंग स्टॉक बनेगा 800। अप्रैल का 2000 है तो ओपनिंग स्टॉक बनेगा 1000। 1200 है तो 1200 और यहाँ पर भी 1200। अब आपको समझ आया होगा कि ये नोट दिया हुआ है भले ही ये गलत है क्योंकि ये जानकारी हमें एग्जाम्पल में दी हुई होनी चाहिए क्योंकि प्रॉब्लम हमें जो पेपर में आएगा वो केवल उतनी ही इसकी रहेगी, बाद में क्या करना है बताया हुआ होगा क्या? नहीं। बट यहाँ एग्जाम्पल के बाद ये ऐसा लिया और एक गणित में नहीं ऐसे 6 से 7 एग्जाम्पल है जिसमें उन्होंने सेम प्रक्रिया की है, इसीलिए ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने नहीं देखा। मैंने देखा है बाकी हर जगह पर उन्होंने जो किया है वो एग्जाम्पल के बाद में लिखा है। लेकिन आप घबराइए नहीं, जब आपको यूनिवर्सिटी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप वहाँ पर ये ऐसी मतलब नॉर्मल प्रक्रिया है जो ऐसा ही करना है, नहीं बताया तो ये कर लीजिए, ऐसा आपको ध्यान में रख के वहाँ करना होगा। या 99% ऐसी संभावना होती है कि वे पूरी जानकारी एग्जाम्पल में आपको देते हैं, ठीक है? तो यहाँ हमने हमारा ओपनिंग स्टॉक का भी जो कैलकुलेशन करना था वो कर लिया। अब ओपनिंग स्टॉक क्या करना है, लेस करना है एस्टिमेटेड रिक्वायरमेंट में से। मतलब यहाँ पर आएगा 1100, यहाँ 1400, मार्च में अमाउंट आई 1800, अप्रैल की 2200। अब लेस करते चल रहे हैं 3200 माइनस 1000, यहाँ पर 3600 माइनस अगर 1200 करेंगे तो 2400 आएगा, यहाँ पर 200 और
पहले की, लेकिन जब ये जानकारी कैलकुलेट की और हमें अंत में जो जानकारी दी हुई थी मैंने आज ही पढ़ी और आज ही कही थी कि नेक्स्ट केस में हम इसका कैलकुलेशन करेंगे या नेक्स्ट केस में इस पर चर्चा करेंगे, तो वहाँ पे प्रिय छात्रों हम जब कैलकुलेशन करेंगे या उस आधे बचे हुए टुकड़े का जब अध्ययन करेंगे तो वहाँ हम ये महीना महीना ऐसा चल नहीं खेलेंगे कि जैन फेब मार्च अप्रैल ऐसा नहीं करे चलेगा वहाँ पे। तो प्रोडक्ट एक्स के लिए आपको टोटल कितने यूनिट या प्रोडक्ट एक्स का जो प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट है वो कितने यूनिट का है ये आपको ज्ञात होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। इसीलिए इतनी प्रोसीजर करने के बाद और एग्जांपल में दिया हुआ नहीं है पर फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि अगर यहाँ पर आपको नॉर्मल लॉस दिया हुआ होता 5%, मान के चलिए 5% लॉस है, इस एक इसमें मैं आपको समझाती हूँ, तो लॉस का कैलकुलेशन आपको यहाँ उसकी वैल्यू एड करनी है ना, तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे? देखिए 1,100 रुपये आपका प्रोडक्शन रिक्वायर्ड है, लॉस कितना है 5% का लॉस हुआ है, तो यहाँ पर आपका कैलकुलेशन इस प्रक्रिया से होगा क्योंकि ये जो अमाउंट है ये प्रोडक्शन रिक्वायर्ड है, नेट है, अब हमें ग्रॉस का कैलकुलेशन करना है, मतलब ये 1,100 रुपये में 95% की अमाउंट है, 1,100 रुपीज 95% है, तो 5% कितना ये पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा और वो निकलेगा 5% जब हम इसमें ऐड करेंगे तब आपको आपकी 100% की ग्रॉस प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट पता चलेगी। इसीलिए यहाँ पर अगर मान के चलिए दूसरे महीने में 6% का लॉस बताया होता तो 1,400 × 6/94 ऐसा करना होता है, जो भी आपकी अमाउंट आती है वो उसमें ऐड करते चलना पड़ता है। ये इस एग्जांपल में दिया हुआ नहीं है पर फिर भी प्रोडक्शन बजट के लिए मैं एक ही ये वाला एग्जांपल लेने वाली हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको वो भी बात बता दी जिस चीज की संभावना है वो मैं आपको क्लियर करते चलिए। तो इस एग्जाम्पल में हमारा अभी बचा है टोटल प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट, क्योंकि ये जो हमने निकाला ये टुकड़ों में है, मंथली दिया हुआ है। अब जब ये 6 महीनों के टोटल हम कर लेंगे, इसको ऐड कर लेंगे तो हमें मिलेगी टोटल प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट जो आ रही है 11,100 यूनिट, और ये हमें हमारे आधे बचे हुए एग्जांपल के टुकड़े में काम आने वाला है। ये अमाउंट जो यूनिट निकले है कितने निकले है 11,100 यूनिट का रिक्वायर्ड प्रोडक्शन है प्रोडक्ट एक्स के लिए। अब प्रोडक्ट एक्स का जितना कैलकुलेशन हमने करना था वो हमने कर लिया, अब हम यहाँ पे मूव करते हैं प्रोडक्ट वाई पे या हमारे दूसरे प्रोडक्ट पे। तो प्रोडक्ट वाई के संदर्भ में भी हमें सेम प्रक्रिया अपनानी होगी। जो अभी प्रोडक्ट एक्स के लिए हम कैलकुलेशन कर रहे थे तो यहाँ हमें जानकारी नहीं थी, तो यहाँ हमें देर लगी कि क्लोजिंग स्टॉक का कैलकुलेशन कैसे होगा, ओपनिंग का कैसे होगा, मुझे उसके लिए आपको सफाई देनी पड़ी। बट अभी जब हमें सब पता चल चुका है तो प्रोडक्ट वाई का कैलकुलेशन या प्रोडक्ट वाई के लिए प्रोडक्शन बजट बनाना कोई आपके लिए मुझे बहुत ज़्यादा कठिन काम नहीं दिखाई पड़ रहा। हो सकता है आप में से कई छात्र एक जैसा मैंने बनाना सिखाया उसके आधार पर खुद ही प्रोडक्ट वाई का कैलकुलेशन कर लेंगे। खुद ही वाई का कैलकुलेशन कीजिए, सबसे पहले यहाँ पे पॉज कर दीजिए वीडियो और जब कैलकुलेशन हो जाए तो आपने किया हुआ कैलकुलेशन सही है या नहीं इसके लिए मेरा वीडियो फिर से वहाँ से आप रिज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब प्रोडक्ट वाई की ओर हम चलते हैं कि यहाँ पे सबसे पहला क्या आएगा, सेल्स की जो यूनिट दी हुई है या सोल्ड यूनिट जो है वो यहाँ पे हम लिखेंगे। तो यहाँ जैन मंथ के लिए या जनवरी के लिए दिया है 2,800 सोल्ड यूनिट, फेब के लिए है फिर से 2,800, मार्च के लिए 2,400, अप्रैल के लिए 2,000, मई के लिए 1,600 और जून के लिए भी 1,600। और आपने देखा होगा कि हमारा पूरा खेल इस प्रोडक्शन बजट का इन सोल्ड यूनिट पर आधारित है, इसीलिए हम यहाँ पे इसको सबसे ध्यान से हमने लिख लिया। फिर हम इसमें ऐड क्या करते हैं, डिजायर्ड क्लोजिंग स्टॉक। जब डिजायर्ड क्लोजिंग स्टॉक हम इसमें ऐड करना चाहते हैं तो वो कैलकुलेशन कैसे होता है, तो नेक्स्ट मंथ का जो सोल्ड यूनिट है उसको आधा करके हाफ करके यहाँ पर लिखते चलते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट मंथ का जो फेब का जो सोल्ड यूनिट है वो है 2,800, तो यहाँ पे आएगा 1,400 का हाफ। फिर यहाँ पे मार्च का 2,400 है तो उसका हाफ
1800 मीन्स उसका आधा कितना होगा 900। जब ऐसा हमने कर लिया मतलब अब हमें ये ऐड लिखने के कारण ऐड करेंगे क्या कि करना ही पड़ता है, तो करना ही पड़ता है, इसीलिए हम एक ऐड करके यहाँ पे लिखेंगे एस्टिमेटेड रिक्वायरमेंट। आपने देखना है तभी आपका ये एग्जांपल पूरा होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।